यही सुखाने के बाद यही 10 इंची का पैकिंग किया जाता है। अच्छा, ये पैकेट जो है रेडी हो गया? हाँ, रेडी हो गया। इसमें से सुखाने के बाद इसे 10 इंच का नाप के आप कटिंग करते हैं? डबल एस के। हाँ, ये इनका ब्रांड है। इसको 4 साल से कर रहा हूँ। 1 लाख रुपया तक ला सेलिंग के ऊपर है, 1 लाख रुपया तक ला चल जाता है। ये मार्केटिंग के ऊपर है कि धीरे अपना मार्केटिंग में थोड़ा घूमे, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ते गए अपना, फिर आप माल सही था और धीरे धीरे मार्केटिंग में एक बार थोड़ी आदमी एक बार बड़ा बन जाए, धीरे धीरे छोटा से बड़ा होते होते आदमी बहुत बड़ा लेवल पर जाता है। 20 बोरा तकला भी चल जाता है। अभी थोड़ा है ठंड, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है, बिजली नहीं है, आपके पास जज्बा होना चाहिए। अगर कम जगह भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। चाउमीन का बिजनेस बहुत लोग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, इस बिजनेस के बारे में वो समझते नहीं हैं कितना जगह लगेगा, कितना बिजली लगेगा और कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन आज मैं हाजीपुर के एक छोटे से गाँव में पहुँच चुका हूँ जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस है और इनका जो है लाखों का ट्रांजेक्शन है। एक दिन में लगभग 300-400 kg इनका मैदा ख़त्म हो जाता है, इतना इनके पास ऑर्डर है। तो किस प्रकार से इनकी बिजनेस की शुरुआत हुई, किस प्रकार से मार्केटिंग किए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से इनसे हम जानकारी लेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपके यहाँ आया हूँ तो आप अपना परिचय दीजिए और आपका जो निवास स्थान है, आपका फैक्ट्री है, किस जगह पे है, ये सारा जानकारी आप मुझे दीजिए। मेरा फैक्ट्री है यहाँ वैशाली में जी, और मेरा छोटा सा गांव है बिष्णुपुर बंदे मुर्गिया चौक। मेरा नाम हुआ सौरभ प्रसाद कुमार, मेरे पिताजी का नाम है दिनेश सिंह और मैं इस बिजनेस को 4 साल से कर रहा हूँ। इसमें सर हम आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं है, फेल हो जाते हैं। आप 4 साल तक इस बिजनेस में सफ़र किए हैं तो किस प्रकार से आप शुरुआती जब किए थे तो मार्केटिंग किस प्रकार से किए थे और क्या प्रोसेस था उस वक्त का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उस वक्त थोड़ा बहुत दिक्कत था और धीरे धीरे अपना मार्केटिंग में थोड़ा घूमे, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ते गए अपना, फिर माल सही था और धीरे धीरे मार्केटिंग में बढ़ते गया। और मतलब वही लगभग एक दिन में अभी इतना ऑर्डर था कि लगभग एक दिन में 10-15 बोरा माल निकल जाता है। तो आपका कहना यह हुआ कि कोई लोग अगर इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि हम पहले दिन ही बहुत माल सेल कर लेंगे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो ये सच नहीं है। सच ये है कि उनको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे अपना मार्केटिंग पकड़ना पड़ेगा। अब एक बार थोड़ी आदमी एक बड़ा बन जाए, धीरे धीरे छोटा से बड़ा होते होते आदमी बहुत बड़ा लेवल पर जाता है। देखिए, तो आप लोगों को मैं अभी इनसे मशीनों की भी जानकारी लूँगा, कौन कौन सा मशीन आता है, कैसे चलाया जाता है, क्या बिजली की आवश्यकता होता है। सबसे पहले आप बताइए कि चाउमीन बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है? सिर्फ मैदा लगता है और पानी और कुछ में। और जैसा कि इसमें कोई केमिकल भी मिलाया जाता है? नहीं नहीं, केमिकल कोई केमिकल नहीं। अच्छा अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये होगा सर कि इस चाउमीन को बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता होती है? एक होता है मिक्सर मशीन। अच्छा, और दूसरा था स्क्रूडर मशीन, ये वाला। हाँ, ये वाला है। हाँ। और उसके बाद है मतलब कि कटर है, ये टेबल चाउमीन काटने के लिए, और इधर मैदा सानने के लिए टेबल है, ये स्टेन है, इस पर चाउमीन काट के रखा जाता है पसारने के लिए, और ड्राई रूम है इधर। तो अभी मैं जितना भी सर बताए हैं सब मशीनों को मैं चलता हुआ अभी दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा। अब इनसे हम अगला जानकारी लेते हैं कि
अगर बचत की बात की जाए तो कितना पूंजी लगता है और कितना बचता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए अभी लगभग मैदा का रेट तेजी है, उस हिसाब से देखा जाए तो 10 बोरा का मैदा का दाम हो गया लगभग 15,000 रुपया। तो 15,000 में लगभग आपका प्रॉफिट होगा करीब करीब 2 से 3 हज़ार रुपया के बीच में आएगा। यानी 15,000 रुपया अगर वो लगा रहे हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपया का वो प्रॉफिट करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात किया जाए तो कितना सेल हो जाता है एक दिन में आपका? मेरा तो होता है 10 से 15 बोरा 20 बोरा तकला भी चल जाता है। अभी थोड़ा है ठंडी है तो अभी शादी ब्याह का लगन इसलिए थोड़ा कम है, न तो अभी 20 बोरा भी खपत जाता है एक दिन। अच्छा अच्छा, महीने का अगर बात किया जाए तो कितना तक का आपका इसमें जो है इनकम हो जाता है? इसमें कम नहीं देखा जाए तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपया से कम तो बचेगा नहीं। अच्छा, जहाँ तक लाख रुपया तक ला सेलिंग के ऊपर है, लाख रुपया तक ला चल जाता है। ये मार्केटिंग के ऊपर है कि मार्केट कितना दूर तक और किस प्रकार से आप डील करते हैं? हाँ वही बात है, मार्केट जितना पकड़िए उतना प्रॉफिट है, जितना माल सेल कीजिए आपके ऊपर है, कितना भी सेल कीजिए। 10 क्विंटल सेल करना था, 10 क्विंटल सेल करें उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। अब मैं आगे आपसे मैं जानकारी लूँगा कि थोड़ा आप मशीन को चला के दिखाइए कि मशीन किस प्रकार से चलता है। ठीक है, दिखा। सबसे पहले इसमें मैदा डाला जाता है, उसके बाद पानी अब 15 किलो में लगभग 2 से 3 किलो करीब पानी जाता है, 2 से 3 किलो। उसके बाद इसमें से सानने के बाद आपको उस पर जाता है, अभी मिक्सर मशीन में जो है मैदा तैयार किया जा रहा है, उसके बाद अगला प्रोसेस जो है हम आपको बताएंगे। इससे जो है मिक्सिंग होने के बाद अभी पुनः इस मशीन पे जो है यहाँ पे मैदा को जो है डाला जाता है। बारी बारी तरीके से मैं इसमें पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा। देख सकते हैं ये मशीन जो है स्टार्ट हो चुका है और रोलर बनना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से जो है पहले रोलर जो है तैयार किया जाता है। बारी बारी तरीके से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आज दूंगा, चॉमिंग मशीन किस प्रकार से चलाया जाता है और किस प्रकार का मशीन है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, उस पे जो है मैदा को मिक्सिंग किया जाता है और डायरेक्ट इस मशीन पे डालकर और देख सकते हैं इस प्रकार का रोलर जो है तैयार कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये है वो है, देखिए कितना बेस्ट क्वालिटी में जो है ये रेडी हो रहा है। और इसके बाद जो है फाइनल चॉमिंग रेडी होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखलाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है रोलिंग का जो है काम इस पर जारी है। इसमें आटा डालने के बाद जो है इस प्रकार से इसको तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद इसे फाइनल रोल तैयार किया जाता है इसी मशीन से। रोल जैसे आप देखते हैं ना कि पेपर प्लेट मशीन का जो रोल होता है और डाई लगा देते हैं पेपर प्लेट बनने लगता है, उसी तरह से मैदा का देख सकते हैं रोल उधर तैयार हो रहा है। रोल होने के बाद इसमें जो है चौमिंग का डाई लगा दिया जाएगा और रोल से जो है चौमिंग तैयार कर दिया जाएगा। तो अभी सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। देख सकते हैं उधर जो रोल जो है वो तैयार हो रहा है। रोल रेडी होने के बाद हम लोग चौमिंग रेडी करेंगे।
सकते हैं रोल जो है वो पूर्ण रूप से रेडी हो चुका है। अब जो है इससे चाउमीन को जो है तैयार कर दिया जाएगा। देख सकते हैं रोल लग गया है मशीन में। अब मैं आगे दिखाऊंगा कि चाउमीन अब इससे किस प्रकार से रेडी होगा, कैसे डाई लगेगा, कैसे फिट होता है, वो सारा जानकारी अब मैं इसे वीडियो के माध्यम से दूंगा। कटर है ये चाउमीन का, कटर है इसे आप डाई भी बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से जो है चाउमीन तैयार होता है। तो ये अभी इसमें रोलिंग किया गया है, अब इसको फिट करके और चाउमीन को जो है निकाला जाता है। तो वो भी प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देख सकते हैं ये फाइनल जो है हो चुका है। अब जो है चाउमीन तो दो रोल रेडी होने के बाद यहाँ जो है यहाँ चाबी को चेंज किया जाता है इस रोल को पतला करने के लिए। तो अब ये प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है चाउमीन रेडी होगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, उसके बाद चाउमीन रेडी होता हुआ मैं दिखा दूँगा। चढ़ा दिया गया है और ये इसका डाई है, इसे डाई बोल सकते हैं, कटर बोल सकते हैं, अपने भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे सेटअप किया जाएगा और उसके बाद फाइनल चाउमीन को जो है तैयार किया जाएगा। देख सकते हैं डाई लगने के बाद चाउमीन रेडी हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो है रेडी किया जाता है और इसको उसके बाद आगे इसका पैकिंग तक का प्रोसेस मैं बताऊंगा इसमें। अभी देख सकते हैं इसको इस प्रकार से रेडी करके इधर रख दिया जाता है। उसके बाद क्या सुखाने का प्रोसेस है, क्या पैकिंग का प्रोसेस है, वो सारा डिटेल मैं दूंगा आपको, तो आप बने रहिएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये बन रहा है। ये जितना भी डंडा आप देख रहे हैं इसको इस पे रख के और इसी पे इसको टांगा जाता है बना बना के, और ये मशीन जो है इस प्रकार से रेडी करती है। एकदम फिनिशिंग जो आ रहा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कंपनी का नाम नंबर दिया हुआ है, जहाँ से आप मशीन परचेज कर सकते हैं और वहाँ आपको फुल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, मशीन को कैसे चलाना है, कैसे पैकिंग करना है। जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो सारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके बाद जो है इसे सुखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं ये यहाँ पे सुखाने के लिए जो है चेम्बर ये बना चुके हैं और इसी जगह जो है फाइनली ये सूख के जो है रेडी होता है। पहला रोल ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा रोल इसमें जो है लगा दिया गया है। सुखाने के लिए जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हीटर लगाना है, ये लगाना है, यहाँ सुखाने के लिए कोयले को टीन में रख के और इसे पंखा के द्वारा यहाँ रूम को हीटिंग रूम बनाया गया है। और देख सकते हैं सूखने के लिए उधर रेडी किया गया है और रेडी करके इधर ला के उसे सूखने के लिए रख दिया गया है। अब इनसे हम जानते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है, सूखने के बाद क्या होता है। यही सुखाने के बाद यही 10 इंच का पैकिंग किया जाता है। अच्छा, ये पैकेट जो है रेडी हो गया है। हाँ, रेडी हो गया। इसमें से सुखाने के बाद इसे 10 इंच का नाप के आप कटिंग करते हैं। हाँ, वही शायद देखिए। हाँ, ये कहाँ से काटते हैं? यहीं से, यहाँ से चाउमीन ला के। अच्छा, और अच्छा। इसके बाद इस पर चढ़ा के 10 इंच का अथी लंबाई नापा हुआ है, इस पर सेट किया हुआ। अच्छा। और इसी कटर के माध्यम से दांत को काटते हैं और इसी से पैकिंग करते हैं और इससे सील होता है। देखिए, तो फाइनली जो है ये रेडी हो गया है। तो इसी प्रकार से चाउमीन रेडी करके आप भी ब्रांडेड बन सकते हैं। ये इनका ब्रांड है WSK। हाँ, ये इनका ब्रांड है और इसी प्रकार से जो है इसमें बहुत सारे लोग, और इधर जो है देख सकते हैं इसी प्रकार से रेडी करके और कार्टून इनका इस प्रकार से कार्टून में पैक हो जाता है और मार्केट में जो है ये सेल कर। यहाँ जो मशीनें हैं ये किस बिजली से चलती है?
या सिंगल फेज से चलती है? सिंगल फेज से। जगह की बात की जाए तो कितना बाई कितना के जगह से ये शुरुआत किया जा सकता है? वही ज़्यादा नहीं, 10x10 के जगह से शुरू, यानी कि 10x10 के जगह में आप मशीन को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, बस प्रोडक्ट रखने के लिए जगह चाहिए बस। हाँ वही। तो इस बिजनेस को अगर कोई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो लगभग लगभग कितना पूंजी से स्टार्ट हो सकता है? लगभग आपको 1,00,000 में आराम से हो जाएगा। 1,00,000 में सारा सामान लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, आराम से हो जाएगा सारा सामान लेके 1,00,000 में। तो सौरभ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे जानकारी दिए हैं। जो नया लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा? उनको हम कहते हैं अपना रोजगार करो और अपना अथी मालिक बनो, किसी का नौकर बनने से कोई फायदा नहीं। मतलब मेहनत करना पड़ेगा उनमें, कोई भी काम करने में मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखें कि जो भी लघु उद्योग होता है, जो भी लघु उद्योग होता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप सही रूप से उस पर टिके रहिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आप सक्सेस जरूर होइएगा। इसी तरह की जो है स्टोरी मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा। मैं किसी वीडियो को प्रमोशन नहीं करता हूँ, बट जानकारी जो है सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और जो सच्चाई होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह की जानकारी मैं इस वीडियो पे हमेशा लाता रहूँगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।